खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदार घाटी में बुधवार रात्रि को हुई अत्यधिक बारिश के कारण अतिवृष्टि से हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम भी पूछी। श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को जल्द से जल्द सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू करने और चिकित्सा सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ केदार घाटी के प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केदार घाटी में तैनात रेस्क्यू टीमों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के बाद आज प्रातः 7 बजे से रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। साथ ही उनके द्वारा यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। यहाँ पर करीब 250 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। मैं सभी पायलट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 7 बजे सवेरे से लेकर के वो यहाँ पर करीब 250 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। मैं सभी पायलट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 7 बजे सवेरे से लेकर के वो यहाँ सोर्टीज कर रहे हैं और यात्री जो फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। अभी अभी हम मुख्यमंत्री जी के साथ हम आए हैं, क्योंकि ज्यादा पैसेंजर जा नहीं सकते थे, इसलिए मुख्यमंत्री जी TM और जो संबंधित अधिकारी हैं वो लोग गए हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। पूरी पूरी राहत दी जाएगी और सबकी सहायता की जाएगी, ऐसा विश्वास जो है मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है। मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ और जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि पानी का वेग बढ़ा हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, जहाँ बादलों के अंदर बादल फट रहे हैं, तो इस भीषण आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं और इसकी कार्रवाई हो रही है। मार्ग बनाने की कार्रवाई की जा रही है, काम चल रहा है और जो लोग वहाँ पर दर्शन के लिए गए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी काफ़ी लोग निकाले जा सकते हैं और आगे निकालने के लिए निकाला जाए, जो लोग हैं सब सुरक्षित हैं। जल्दी से हमारी यात्रा सुचारू होगी, इसके लिए सारे प्रयास संभव हैं।